डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब इस सब्जेक्ट मैथ में हम लोग जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, ठीक है। 6.5 के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अब एक्सरसाइज 6.5 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.5 में जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक के किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग को आज करना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए, बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्किल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। देखिए अब आपको हम समझाते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि एक तार है, एक वायर है जिसका लंबाई 28 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक इसका टोटल लंबाई कितना है दोस्त? 28 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 28 मीटर है। 28 मीटर का एक लंबा तार है। इस 28 मीटर लंबे तार को दो भागों में कट किया जाता है, दो भागों में इसको काटा जाता है। टू पीस का मतलब दो भागों में, दो खंडों में इसको बांटा जाता है। अब दो खंड में बांटा जाता है, मान लिया कि यहां पे ब्रेक कर दिए, यहां पे जब ब्रेक हो गया तो दो भाग में अलग अलग टूट गया। जो दो भाग में अलग अलग टूटा तो एक का लंबाई हम L मान ले रहे हैं, तो दूसरे का कितना होना चाहिए भाई? तो एक का लंबाई जब L मान लिए तो दूसरे का 28 माइनस L होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना है? 28 मीटर है। तो एक को हम लोग L मानेंगे तो दूसरा कितना होगा? 28 माइनस L। दोस्तों अब बोला क्या गया कि एक तार को जब हम लोग काट दिए हैं तो दो गो पीस मिल रहा है। अब दोनों ही पीस में से एक पीस से आपको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर मतलब वर्ग, और एक पीस से आपको सर्किल बनाना है। समझना बात को, एक वायर है, उस वायर को हम लोग काट दिए पहले दो भाग में, और दोनों भागों से जो हम लोगों को मिलेगा उसके दोनों भागों से एक से आपको बनाना है वर्ग और एक से बनाना है आपको वृत्त। तो ऐसा माना गया दोस्तों कि इससे जब हम लोग बनाए तो एक वर्ग बन गया, एक वर्ग बन गया। अब आप सोचो कि यहां से लेकर यहां तक वाले तार को ना मोड़कर बनाया गया। जैसे मान लिया तार यहां L था, अब इसी को थोड़ा सा इधर से मोड़े, फिर इधर से इसको थोड़ा सा यहां से मोड़े तो ऐसे हुआ, फिर इसको यहां से मोड़े तो ऐसे हुआ। यानी कि यहां से लेकर यहां तक ना L हुआ, एक चक्कर L हो गया। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे जो L लिखा हुआ है इसी को मोड़कर हम एक वर्ग बनाए हैं। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल L है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हो गया हम लोगों का कितना? L। यानी कि यह एक परिमिति के रूप में हो गया, क्योंकि एक जो तार है उसी को हम लोग ऐसे ऐसे मोड़कर वर्ग बना रहे हैं, और ये जो वर्ग है इसका पैरामीटर हो गया, परिमिति कितना हो गया? L, ठीक है।
अब जब पैरामीटर एल हो गया तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 into sine, 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमिति, पैरामीटर होता है 4 गुने भुजा बराबर में कितना एल, इसलिए इसका साइड कितना हो गया दोस्तों, तो इसका साइड हो गया एल बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं है, इसका साइड कितना हो गया एल बाई 4, यानी कि ये भी एल बाई 4 है, 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 और जब चारों को जोड़िएगा तो हम लोग का एल आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगला वाला जो हम लोगों का टुकड़ा है, इससे एक सर्किल बनाया गया है, इससे क्या बनाया गया, एक सर्किल बनाया गया है, तो सर्किल बनाया गया इसका मान ले रहे हैं यहां पे वो सेंटर है, सर्किल बनाया गया, तो सर्किल में जो ये यहां से लेकर यहां तक ना तार है, तो अगर उसको हम लोग गोले गोले मोड़ेंगे तो यहां भी वृत्त का परिमिति ना होगा 28 - l, बात समझिए कि यहां पे जब हम लोग 28 - l को जब मोड़ रहे हैं, 28 - l को जब मोड़ रहे हैं तो वह एक क्या होगा, तो पैरामीटर है ना, तो जब मान लिया जाए कि जब इसको हम लोग यहां से लेकर और यहां तक अगर मोड़ रहे होंगे तभी ना वृत्त बन रहा होगा, और टोटल लंबाई हमें कितना दिया है 28 - l, तो यहां पे आपको यहां पता चल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का परिमिति जो यहां पे हो गया वो कितना 28 - l, ठीक है 28 - l। अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, यानी कि वृत्त का परिमिति कितना होता है 2πr इज इक्वल टू कितना 28 - l, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पे वृत्त का त्रिज्या हम लोग कितना निकाल सकते हैं, यही ना होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए 28 - l में 2π से क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, तो यहां हो गया 28 - l भागा भागा कितना 2π, ठीक है 2π से हम लोग भाग कर दिए। अच्छा अब आपको पता चल गया कि यहां पे साइड कितना हो गया हम लोगों का l/4, यहां पे त्रिज्या कितना हो गया, तो 28 - l बटा मतलब भागा 2π, इससे r का वैल्यू निकाल लिए, 2π को इधर भागा कर दिए। अब सवाल क्या बोल रहा है कि दोनों से जो हम लोगों का इसका भी एरिया यानी कि कंबाइन एरिया करना है, किसका किसका कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है साथ में मिलाना है, तो स्क्वायर वाला भी एरिया और सर्किल का भी एरिया मतलब वर्ग का भी क्षेत्रफल वृत्त का भी क्षेत्रफल दोनों को एक साथ मिलाना है, और मिलाने के बाद जो मिलेगा उसके बारे में सवाल बोल रहा है मिनिमम, सवाल समझो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ फिगर मिटाते इधर से, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड गुने साइड यानी कि साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो साइड यहां पे कितना है l/4, तो l/4 का होल स्क्वायर जिसको हम बोल सकते हैं l² / 16, ठीक है। अब लिखेंगे उसके नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्किल ना, सर्किल सर्किल का फॉर्मूला कितना होता है πr², ठीक है, तो पाई के जगह पे पाई रख देंगे r², तो r² का वैल्यू कितना आया है, तो 28 - l/2π², ठीक है। तो यहां पे हम लोग पाई का पाई लिखें, ऊपर छोड़ दिए 28 -
एल का होल स्क्वायर बटा टू पाई का स्क्वायर कितना होगा, तो दो का स्क्वायर चार और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो पाई से एक ठो पाई कट गया, तो हम लोगों का जो एरिया ऑफ सर्किल मिला यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल मिला वो कितना मिला, 28 माइनस एल का होल स्क्वायर बटा में 4 पाई, बटा में 4 पाई। फिर चलिए आगे चलते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंबाइंड एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि आप कंबाइंड एरिया करो, कंबाइंड एरिया, तो कंबाइंड एरिया में मतलब किसको, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, देख पा रहे हो ना, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, एक ये हो गया वर्ग का एरिया एआर, और ये वृत्त गोला हो गया वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना निकालेंगे, एल स्क्वायर बटा 16, और एरिया ऑफ सर्किल निकाले 28 माइनस एल का होल स्क्वायर बटा में 4 पाई। बस अब सवाल बोल रहा था इसी के बारे में बोला है कि जो कंबाइन एरिया आप निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो आप कंबाइन एरिया निकालेंगे इसी के बारे में बोला सवाल में मिनिमम, ठीक है, इसी के बारे में सवाल बोला मिनिमम। दोस्तों जिसके बारे में मिनिमम और जिसके बारे में मैक्सिमम बोलता है हम लोग उसी को ना एफएक्स मानते हैं, तो यहां तो एफएक्स नहीं मान सकते क्योंकि यहां एल एल का यूज हुआ है, तो यहां एफएल मानेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन माना जाता है, अगर यहां एक्स होता तो एफएक्स मानते हैं, आर रहता एफआर मानते हैं, लेकिन यहां एल एल है तो हम इसको क्या मानेंगे, एफ एल, क्यों इसी को मानेंगे, क्योंकि इसी के बारे में बोला मिनिमम, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेगा लेट एफ एल का वैल्यू कितना, तो एफ एल का वैल्यू जो हो गया आप लोगों का वो हो गया एल स्क्वायर बटा 16 प्लस 28 माइनस एल का होल स्क्वायर बटा में 4 पाई, ठीक है। जब एफ एल का वैल्यू हमें मिल गया तब आप एक फार्मूला यूज करते हैं, यहां पे यूजिंग एफ डैश एल इक्वल जीरो, ठीक है, एफ डैश एल इक्वल जीरो, ठीक ना। अब एफ डैश एल इक्वल जीरो का यूज करेंगे, तो एफ डैश एल का मतलब क्या, जरा देख लेते हैं, इधर एफ डैश एल, एफ डैश एल का मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 1/16 तो दोस्त बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2l, एल स्क्वायर का 2l प्लस 1/4 पाई, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो 1/4 पाई जो है बाहर निकल जाएगा, और 28 माइनस एल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा, 28 माइनस एल के पावर 1, पावर 1 घट जाता है, और फिर चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो 28 का तो 0 और माइनस एल का हो जाएगा कितना, डिफरेंशिएशन इसका -1, ठीक है, और बराबर में कितना, 0। अब यहां पे हम बोल सकते हैं तो 2 से ये कितना बार में कट रहा है, 8 बार में, तो एल बाई 8 प्लस, अब इसका भी तो 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 से 2 बार में, तो 1/2 पाई इंटू, अच्छा यहां पे तो माइनस है ना, तो यहां पे हम लोग माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/2 पाई हो गया, फिर यहां हो गया 28 माइनस एल और 1 को हटा सकते हैं, ठीक है, बराबर में कितना, 0, ठीक है। अब यहां से आपको चलना है और फिर आपको एल का वैल्यू यूज करना है, मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल बाई एट इज इक्वल, ये माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, कौन सी प्लस में होगा, तो 28 माइनस एल बटा में 2 पाई, ठीक है, ये हम लोगों को यूज करना है।
अब अगर यहां पे देखेंगे तो इसका इस्तेमाल करके आप एल का वैल्यू यहां से निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, एल का वैल्यू। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2πL, ठीक है, इज इक्वल 28 को 8 से गुना कीजिए कितना होगा, तो 224, ठीक है, 64 4 हाथ में 6, हाँ 224 और माइनस यहां हो जाएगा 8L, ठीक है। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे ये माइनस 8L है ना, जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 8L होगा, यानी कि 2πL ये इधर आएगा तो 8L इज इक्वल टू 224, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या कॉमन है भाई, तो 2 भी कॉमन है, L भी कॉमन है, तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा, 2L को कॉमन करना होगा, तो 2L को कॉमन करेंगे तो क्या बच रहा होगा, यहां पे यहां बन रहा होगा पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, ठीक है, बराबर में कितना 224, ठीक है। अब एल का वैल्यू निकालना है तो 2 और पाई प्लस 4 ये सब गुना में है, तो एल का वैल्यू निकालने के लिए 224 बटा 2 भी नीचे चला जाएगा और पाई प्लस 4 भी नीचे चला जाएगा, और 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 1 1 2, इसलिए दोस्तों एल का वैल्यू कितना आएगा, 112 बटा पाई प्लस 4, ये हम लोगों का एल का वैल्यू होता है। जरा देख लेते हैं कि एल का वैल्यू हम लोगों को कितना निकाला हुआ है, 6.5 का क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल सही, हम लोगों का जो एल का वैल्यू है वो 112 बटा पाई प्लस 4 है, ठीक है, ये तो एल है ना, यानी कि एल का वैल्यू निकला है, अदर यानी कि एक जो वायर था उसको दो पार्ट में बांटे थे, एगो का एल और एगो का 28 माइनस एल दिखाए थे ना, तो आपको क्या करना है, अभी तो आप एक टुकड़ा का ना वैल्यू निकाले हैं, एल का ना वैल्यू निकाले 112 बटा पाई प्लस 4, लेकिन एक और दूसरा पीस का डायमेंशन निकालना है, लेंथ निकालना है, तो लिखेंगे अगेन, एक आंसर आ गया हम लोगों का, एक अगेन में हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ अदर पीस माने कि दूसरा टुकड़ा का हम लोग लंबाई निकालने वाले हैं, तो दूसरे टुकड़ा का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो उसका था 28 माइनस एल, तो यहां 28 को हम 28 बटा 1 लिख सकते हैं, माइनस एल का वैल्यू 112 बटा पाई प्लस 4। अब इसका एलसीएम कितना होगा भाई, तो पाई प्लस 4 है और 1 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, पाई प्लस 4, ठीक है। अब 1 से कितना बार में कटेगा, तो पाई प्लस 4 बार में। अब हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे तो इससे कट करेंगे तो ये कटेगा कितना, या फिर हम लोगों का सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया है क्या, अदर वाला जो आंसर है शायद ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया है, 28 पाई लिखता है ऊपर अदर वाले के लिए, से देखते हैं क्या होता है, यहां पे देख पा रहे होंगे पाई प्लस 4, तो 1 से पाई प्लस 4 बार में कटेगा, ठीक है, तो ये कटेगा कितना बार में, 28 पाई हो जाएगा और प्लस 8 4 32 के दो हाथ में 3 और 112 और यहां पे माइनस 112, तो ये 112 कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 28 पाई बटा पाई प्लस में 4। तो हम लोगों का दो आंसर आ गया, एक आंसर आया हम लोगों को यानी कि जो एक तार था ना उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़े थे, तो एक आया हम लोगों का 112 बटा पाई प्लस 4 और दूसरा आ गया 28 पाई बटा पाई प्लस 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये 22 था दोस्त। अब ये हार्ड नहीं है, हम लोग इसको करेंगे तो ये इजी भी है,
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो 22 है ना। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। तो देखा जाए 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही टफ भी है। जो जो क्वेश्चन जितना छोटा दिखता है ना, उतना छोटा होता नहीं है। ये क्वेश्चन तो दो लाइन्स का है, लेकिन ये चार बोर्ड का है आंसर। लेकिन इसलिए अच्छा से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, एक गोला है, और इस गोले में एक स्फेयर है और इस गोले में एक शंकु को रखा गया है, या फिर आप इसका उल्टा बोल सकते हैं, एक शंकु है और इसके चारों तरफ से गोला है। वृत्त नहीं बोल रहे, गोला बोल रहे, गोला। गोला के अंदर जो खाली स्थान होता है ना फुटबॉल के अंदर, उसमें एक शंकु को डाला गया, समझ लो। तो इसमें ना एक यहां पे हम लोग शंकु को डाल दिए, देख पा रहे हैं, यहां पे शंकु को डाल दिए। तो जब इसके अंदर शंकु को डालेंगे दोस्तों, तो एक बात तो पक्का है, शंकु का भी हम लोगों का त्रिज्या होगा। शंकु का त्रिज्या मतलब ये, ठीक है। और दूसरा बात कि अगर बीच में अगर केंद्र होगा, केंद्र, तो अगर इसका केंद्र होगा तो हम लोगों का इसका त्रिज्या भी होगा, यानी कि एक गोला का त्रिज्या और एक शंकु का त्रिज्या, और ये हो जाता है हम लोगों का शंकु का ऊंचाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी, यानी आप यहां पे चीजों को समझिएगा अच्छे से। ये वाला पार्ट अगर केंद्र है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी तो त्रिज्या होगा ऊपर यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये पूरा गोला का केंद्र है, ठीक है। तो अब इतना चीज दे दिया गया और फिर हमें प्रूफ करना है। सवाल नंबर 23, इसमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई? तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि पूरा कोन का जो आयतन है, ठीक है, आयतन है वो इज इक्वल होगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। ये हमें दोस्त प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये हमें प्रूव करना है। अब 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बात यहां समझिए, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें हैं। यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं? दोनों चीजें हैं। पहली कौन सी? तो पहली कोन और दूसरी स्फेयर, मतलब शंकु भी है और गोला भी है। तो आपको यहां से कुछ मानना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ कोन, शंकु को त्रिज्या को हम छोटा आर मान रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला है शंकु, शंकु का हम छोटा आर त्रिज्या मान लिए, ये वाला छोटा आर हो गया। अच्छा, फिर हम लोग एंड हाइट को मान लिए, किसके हाइट को? तो कोन शंकु का ऊंचाई को हम मान लिए अभी h। शंकु कितना ऊंचा है भाई? तो इसका ऊंचाई जो है टोटल यहां से लेकर यहां तक h है, ठीक है, शंकु का ऊंचाई h मान लिया। फिर एक और एंड
लेट द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, क्या मानना पड़ेगा, तो अ स्फेयर हमें मानना पड़ेगा कुल मिलाकर कैपिटल आर, ठीक है। यानी बात किया जाए तो हमें पूरा गोला का हम लोग मान लिए त्रिज्या क्या, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कैपिटल आर यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि गोला है, ये भी अगर केंद्र है तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि गोला की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। यहां तक तो ठीक है। अब जरा अपने सहूलियत के लिए सबका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई नाम रख दिया है हम लोगों ने। सबसे पहले करना क्या है, आप एक चीज को फॉलो कीजिए, त्रिभुज बी ई डी में चलिए और बी ई डी में चलकर आप ई डी निकाल लीजिए। अब इसका भी फायदा है, जरा आगे पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऊपर से मिटा रहे, आप इसको, इन चीजों को जितना भी हम लोग लिखे हैं आप उसको नीचे ही नोट करते चलिएगा। करना क्या है हमें, यहां पे चीजों को समझिए। तो हम यहां पे करने वाले ये हैं कि सबसे पहले त्रिभुज बी ई डी में चलने वाले हैं, इन ट्रायंगल बी ई डी, बी ई डी में चल रहे हैं, तो आपको दिख पा रहा होगा ना, ई डी जो है, ई बी जो है कर्ण है, बी डी जो है आधार है और ई डी जो है लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो त्रिभुज बीईडी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम का अगर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि बीई का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ईडी का स्क्वायर। अब बीई का स्क्वायर का मतलब बीई जो है गोला का त्रिज्या है जिसको हम लोग आर बोले हैं, तो इसके जगह पे आर स्क्वायर लिख दिया, बराबर बीडी जो है शंकु कोण का त्रिज्या माने हैं जिसको आर बोले हैं, आर का स्क्वायर रख दिया, ईडी को ईडी का स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है। अब जब ये आर स्क्वायर प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ईडी का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो पूरा का क्या चढ़ेगा, रूट, तो इसलिए ईडी का जो वैल्यू होगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ईडी का वैल्यू पता चल गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसे लेकर डी तक, यहां वैल्यू पता चल गया कि रूट अंडर क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। फिर से हम लोग बात करते हैं इन फिगर यानी कि चित्र में, बात करें इन फिगर हाइट, एच बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो शंकु का जो ऊंचाई है वो एडी है, शंकु का ऊंचाई, कितना है, एच ना, एच कहां से कहां तक, ए से लेकर डी तक, तो एच को हम लिख सकते हैं एडी, यानी ऊंचाई तो एडियन है, और इस एडी को दो भाग में तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, कौन कौन सा भाग, तो एई प्लस ईडी, दो भाग में तोड़ दिए, कौन कौन सा, एई प्लस ईडी,
यानी कि इसको दो भाग में तोड़ दिया एई प्लस ईडी, ठीक है। और इसीलिए एई का मान कितना है, तो ए से लेकर ई तक का जो मान है, ए से लेकर ई तक का जो मान है वो कैपिटल आर है। कैपिटल आर है क्यों, क्योंकि ये गोला का त्रिज्या बन रहा है ए से लेकर ई तक, क्योंकि ई जो है केंद्र है पूरा का, तो ए से लेकर ई तक के त्रिज्या कितना है आर, तो ए के जगह पे आर रख दिया, थोड़ा सा जगह मिलाकर आर रख दिया, प्लस प्लस इस ईडी के जगह पे, ईडी के जगह पे हम लोगों का अभी आया रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसलिए दोस्तों एच का हमको पता चल गया कि ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना है, तो आर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हम लोगों का कुल ऊंचाई है, ठीक है, कुल ऊंचाई है। यहां तक तो क्लियर है, जब कुल ऊंचाई है तो सवाल में हम क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट लार्जेस्ट कोण, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोण, यानी कि सवाल बोल रहा है कि कोण का जो वॉल्यूम होना चाहिए उसके बारे में लार्जेस्ट बोल रहा है, ठीक है, उसके बारे में लार्जेस्ट बोल रहा है। तो हम लोग एच का वैल्यू तो यहां पता चल गया, अब यहां पे लिखेंगे नाउ नाउ वॉल्यूम ऑफ कोण, क्यों वॉल्यूम ऑफ कोण निकाल रहे हैं भाई हम लोग, यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसी के बारे में बोला है कि लार्जेस्ट होना चाहिए। लार्जेस्ट का मतलब, लार्जेस्ट का मतलब होना चाहिए हम लोगों को मैक्सिमम, लार्जेस्ट का मतलब भी होता है अधिकतम, अधिक से अधिक, और मैक्सिमम का भी मतलब वही होता है। तो कुल मिलाकर यहां पे देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोण के बारे में बोल रहा है लार्जेस्ट, तो वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो अब आर स्क्वायर कौन सा, छोटा वाला आर की बड़ा वाला आर, तो कोण न है शंकु न है, तो शंकु के लिए हम त्रिज्या क्या माने हैं, तो छोटा आर, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर और एच। अब उसके नीचे लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, इस एच के जगह पे हम डियर स्टूडेंट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका आधा सॉल्यूशन को हम बोर्ड पे बताए हैं, चलिए आधे सॉल्यूशन को आप कॉपी पे देख लीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो आप एच फिगर बोर्ड पे बनाए हुए थे वहाँ पे एच का वैल्यू हम लोग निकाले थे आर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, राइट। तो इस एच की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया आर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं ना कि जो बाहर रहता है उसको आर से भी मल्टीपल करते हैं और जो बाहर रहता है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जो है पहले आर से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर बड़ा आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बनेगा। सवाल में आप देख पा रहे होंगे सवाल बोल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोण जो है उसके बारे में बोला कि लार्जेस्ट या मैक्सिमम, यानी हम लोगों ने बारी बारी इसको इससे गुणा कर लिया, फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर और फिर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोस्त इसके बारे में हम लोगों को बोला कि ये लार्जेस्ट है या फिर मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं। तो जिसको लार्जेस्ट या मैक्सिमम बोला जाता है दोस्त उसी को ना मानते हैं एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स नहीं माने हुए हैं हम लोग, एफ छोटा आर माने हुए हैं। आपको ये पता चलता कि सर यहाँ पे हम लोगों का एक्स में फंक्शन नहीं है तो एफ एक्स नहीं मानेंगे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन एफ पाई भी तो मान सकते हैं, एफ छोटा आर भी तो मान सकते हैं, एफ बड़ा आर भी तो मान सकते हैं, लेकिन दोस्त वॉल्यूम ऑफ कोण आपको जो फिगर बनाए हुए ना ध्यान से देखिए कि एक गोला है स्फेयर है, इसके अंदर एक शंकु है और इस शंकु का त्रिज्या को हम लोगों ने माना है छोटा आर। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोण है यानी शंकु का जो त्रिज्या माने हैं तो उसमें तो छोटा आर माने हैं ना, इसलिए
वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में बोला लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का रेडियस क्या है, छोटा आर, इसलिए एफ आर का ही यूज करेंगे, कैपिटल आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल आर किसका है, त्रिज्या ये है, ये गोले का त्रिज्या है, ठीक है, ये गोले का त्रिज्या है। अच्छा पाई क्यों नहीं यूज करेंगे एफ पाई, क्योंकि पाई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम एफ आर मान लिए इस पूरा को, जिसके बारे में लार्जेस्ट बोल रहा था, जिसके बारे में लार्जेस्ट बोल रहा था उसको हम लोगों ने एफ आर मान लिया। एफ आर इज इक्वल टू 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर बड़ा आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। फिर यूजिंग हम लोग फार्मूला यूज करेंगे एफ डैश आर इक्वल जीरो। अब एफ डैश आर इक्वल जीरो का मतलब कि आपको इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या बनेगा जरा देखिए, 1/3 पाई और बड़ा आर, ये सब क्या है, कांस्टेंट ना, क्योंकि ये कैपिटल आर भी एक तरीके का कांस्टेंट का काम करेगा। हम लोग डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो 1/3 पाई और आर को बाहर कर लिया। अब छोटा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 2r प्लस, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 पाई को हम लोग इस पूरे से बाहर कर लिया, उसके बाद अंदर में क्या बच रहा होगा, अंदर में आर स्क्वायर रूट अंडर बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों ने इसको माना u और इस पूरा को माना v, ठीक है, हम लोगों ने इसको माना u और इसको ने इसको माना v, ठीक है। तो इसको हम लोग u इंटू वी पे तोड़ेंगे, 1/3 पाई तो कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे, तो u कहाँ है, u को हम लोग बाहर कर लिए r स्क्वायर को, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब v का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का मतलब रूट अंडर में जो चीज़ है उसको डाल दिए, और इनटू चैन रूल क्या बोलता है कि अब अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो जीरो, और माइनस आर स्क्वायर का कितना बनेगा, माइनस टू आर, और फिर यहाँ से टू कट गया, और फिर फार्मूला होता है प्लस भी को बाहर कीजिए, भी को बाहर कीजिए मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बाहर कर लिए, यू का डिफरेंशिएशन, तो यू का डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का क्या बनेगा, 2r और पूरा के बराबर जीरो, एफ डैश आर बराबर जीरो था, यहाँ जीरो कर दिए। फिर देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग अच्छा से लिख लिए, 2π छोटा r बड़ा r बटा 3 प्लस 1/3 पाई, यानी कि पाई बाई 3 भी तो लिख सकते हैं, और ब्रैकेट यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो यहाँ तो हम लोग माइनस दे सकते हैं ना भाई, तो यहाँ माइनस हो गया, आर स्क्वायर को आर से गुना किया आर क्यू रूट अंडर में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि टू से तो रुकट गया, प्लस इसको हम लोग अच्छा से लिखे तो 2r रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा में 1, ठीक है, इक्वल जीरो। अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और 1 का एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक बार में कटेगा तो यहाँ माइनस आर क्यू होगा, और प्लस 2r, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 से ये कितना बार में कटेगा, रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बार में कटेगा, और ये रूट से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि जो ब्रैकेट वाला जो था हम लोगों का वहाँ पे एलसीएम ले लिए, फिर यहाँ पे उसको वैसे ही छोड़ दिया प्लस पाई बाई 3, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये माइनस आर क्यू का छोड़ दिया प्लस इसको इसको मल्टीपल कर दिया, तो 2r स्क्वायर आर माइनस 2r क्यू ब्रैकेट जीरो। अब हम लोग देख पा रहे होंगे तो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, फिर पाई बाई 3 का पाई बाई 3, और इसको इसको अब हम लोग ऐड कर दिए, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस 3r का क्यू और 2r आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे दिख पा रहा होगा 2r आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना टोटल का, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ब्रैकेट में कितना, जीरो। ठीक है, अब इसको हम लोग वैसे ही का वैसे ही छोड़ दिया, टू पाई आर आर, लेकिन इस पूरा वाला जो चीज़ है देख पा रहे होंगे प्लस पाई बाई थ्री और इतना, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस पाई बाई थ्री और वही का वही बचेगा सब चीज़, यानी कि यहाँ के बाद हम लोग इसको आगे कर लिए। ठीक है, यहाँ माइनस पाई बाई थ्री और इसको पूरा का पूरा वैसे ही छोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाता है, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर वाला पाई इधर से कैंसिल हुआ और नीचे नीचे का कैंसिल होता है, तो यहाँ क्या बच रहा है, टू आर बड़ा आर इज इक्वल, अब इसको इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री आर क्यूब माइनस प्लस माइनस टू आर आर स्क्वायर, और डिवाइडेड में तो वही का वही रहेगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं तो टू छोटा आर बड़ा आर इज इक्वल, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, आर का क्यू है, यहाँ आर है तो आर अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से फिर से आप देख पा रहे होंगे आर और आर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, टू आर, और टू आर को तिरछा तिरछे मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे वन लिख सकते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टू आर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा इज इक्वल, यहाँ बन रहा होगा थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ बन रहा है टू आर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा, और यहाँ बन रहेगा थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर का स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे देख पा रहा हूँ टू का स्क्वायर फोर आर का स्क्वायर, और यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल थ्री आर स्क्वायर माइनस टू आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग की है ना, स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर स्क्वायर करेंगे दो का स्क्वायर चार, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखते हैं, और इधर हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीपल कर सकते हैं, इसको छोटा आर स्क्वायर से मल्टीपल कर सकते हैं, तो सब चीज़ मल्टीपल करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे उसको मल्टीपल करा दिया लेफ्ट में और राइट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को हम लोग यहाँ पे फार्मूला पे तोड़ दिया, तो इसको हम लोग करेंगे तो फोर आर का पावर फोर, इसको वैसे ही छोड़ दिया, थ्री का स्क्वायर नाइन, आर का पावर टू टू जो है तो फोर, यहाँ पे टू का स्क्वायर हो जाता है फोर, और आर का पावर स्क्वायर का स्क्वायर तो आर का पावर फोर, माइनस थ्री टू जो सिक्स टू जो ट्वेल्व आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर, कुल मिलाकर यहाँ पे बन रहा है क्या, माइनस फोर आर स्क्वायर प्लस बारह आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल नाइन आर के पावर फोर प्लस फोर आर के पावर फोर माइनस फोर आर के पावर फोर, कहाँ से भाई ये, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला प्लस में है, इधर में गया यानी कि ये प्लस में है ना, इधर गया तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस फोर आर स्क्वायर है और ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस बारह आर स्क्वायर, ठीक है तो माइनस और प्लस है तो यहाँ आठ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना बच रहा है, नाइन आर के पावर फोर। ठीक है, अब हम इसको इसको यूज करेंगे क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, नाइन आर के पावर फोर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आठ आर स्क्वायर नाइन आर के पावर फोर, ना एट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आर के पावर फोर, यहाँ वाला नाइन मल्टीपल में है तो इसको डिवाइड में करेंगे, एट आर स्क्वायर ये नाइन का इधर कर दिए तो नाइन, और इधर आर के पावर फोर बचेगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो आठ आर स्क्वायर, इधर भी तो आर स्क्वायर गुना में है तो ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे नीचे ला दिए, नीचे ला दिए तो यहाँ आर जो है चार गो है, यहाँ आर दो गो है, तो
तो कटेगा तो आर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि 8r² / 9 इज इक्वल टू आर बन गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 9 आर स्क्वायर। तो हम लोगों को एक रिलेशन पता चल गया यहाँ पे। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h, ठीक है। तो हम 1/3 का 1/3 π का π छोड़ दिया 8। अब आर स्क्वायर का फार्मूला क्या, तो आर स्क्वायर का हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे 8/9 बड़ा आर का स्क्वायर और ब्रैकेट ब्रैकेट। दोस्त ये h जो है ना, h हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं कि r प्लस रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसलिए इस h के जगह पे इसको इस्तेमाल कर दिया। और यहाँ पे जो छोटा r का स्क्वायर दिख रहा है ना, छोटा r का स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम लोग 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/3 π 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर, और h के जगह पे इतना रख दिया। और h के जगह पे इतना के साथ साथ छोटा आर स्क्वायर था ना यहाँ पे, छोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 1 और 9 का एलसीएम ले लेंगे और फिर जो हम लोगों को अंदर आएगा r² / 9। अब आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट r होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी सबसे पहला बात इसको वैसे ही छोड़ देंगे, 8 को ऐसे ही 8 छोड़ दिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बट्टा में 27 इसको वैसे ही छोड़ दिया। और इसको जब सॉल्यूशन किया आगे तक तो हमें मिल गया 4r/3 और यहाँ बच रहा है 8π r² / 27 बाहर में। तो आप ये काम तो कर सकते हो ना भाई, 8/27 को बाहर निकाल दो और पाई आर स्क्वायर को अंदर गुना कर दो, तो 4/3 बनेगा, ये वाला पाई बनेगा और ये आर स्क्वायर है और आर है, तो यहाँ आर क्यूब बनेगा। तो अब तो हमको यही ना प्रूफ करना था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कि कोन का जो आयतन होगा वो गोला का आयतन का 8/27 गुना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 8/27 बाहर निकालें तो 4/3 πr³ जो बन रहा है ये क्या है, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। यानी कि गोले का आयतन तो होता है ना 4/3 πr³, और गोले का त्रिज्या हम क्या माने थे, कैपिटल आर माने थे। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ प्रूफ हो गया कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन से चल रहे थे, यहाँ से चल रहे थे, चलते चलते वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला मिला वो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसके जगह पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हम लोगों को दोस्तों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही सवाल प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था और इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ जो है ना प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है। तो दैट इज डोंट माइंड कि इतना बड़ा है या फिर कुछ और है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो 24 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू द रूट 2 times ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी बोल रहा है ना कि राइट सर्कुलर कोन है, कोन का मतलब शंकु है, लीस्ट कर्व सरफेस यानी कि इसका सरफेस एरिया जो है वो लीस्ट है, कम है, एंड कर्व्ड सरफेस का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखिएगा। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन इक्वल टू रूट 2 times ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। यानी कि एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हम लोग ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, जो होना चाहिए रूट 2 times ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस का रूट 2 गुना होना चाहिए। ऐसा हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सवाल समझते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक क्या है भाई, तो एक कौन है, क्वेश्चन नंबर 24। एक यहाँ पे दोस्त कौन है, तो कौन बना लिया यानी कि शंकु बना लिया। ठीक है, अब इस शंकु में हम लोगों को क्या क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से तिर्यक ऊंचाई जानते हैं ना, एल होता है, तिर्यक ऊंचाई भी होता है, और दूसरा कि इसका त्रिज्या भी कुछ हम लोगों को मानना पड़ेगा। हम त्रिज्या को आर मान लिए और इसके ऊंचाई को हम मान लिए फिलहाल एच। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बात यहाँ पे क्लियर कट करने वाले हैं। क्या क्लियर कट करने वाले हैं कि लेट रेडियस ऑफ, रेडियस को हम लोग माने आर, हाइट, हाइट को ही हम लोग दोस्तों एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, हाइट को हम लोग एच माने हैं। ठीक है, और स्लेंट हाइट, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं ना, इसको अंग्रेजी में स्लेंट हाइट बोलते हैं, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो स्लेंट हाइट को कितना माने हम लोग, स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई हम लोग माने एल। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि जो मेरा एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट जो होगा, हाइट जो होगा वो रेडियस का रूट टू टाइम्स होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट टू टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस का रूट टू टाइम्स, टाइम का मैंने गुना, समय नहीं यहाँ पे देखा जाता है, रूट टू टाइम ऑफ द रेडियस यानी कि एच बराबर त्रिज्या का रूट दो गुना, तो रूट टू आर, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, एच बराबर रूट टू इंटू आर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों अगर एच बराबर रूट टू आर प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के बारे में बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। ठीक है, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग किससे सूचित कर सकते हैं, तो वॉल्यूम को v से सूचित कर सकते हैं। v बराबर कितना हुआ, 1/3 πr² h। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि भी वॉल्यूम ऑफ कौन को हम लोग किससे सूचित कर दिए, भी से, 1/3 πr² h। अब हम उसको नीचे वाले 3 को इधर से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 3v = πr² h। अगर हम लोग h का वैल्यू निकाल ले यहाँ पे, h का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, h = 3v/πr² होगा ना, यानी कि h का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकल गया कितना भाई, 3v/πr². अब सवाल बोला कि इसका कर्व्ड सरफेस, इसका क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बोला कि हम लोगों का कर्व्ड पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, लिस्ट है, लिस्ट का मतलब छोटा, लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है ना, तो लिस्ट कर्व सरफेस का मतलब सरफेस एरिया के बारे में बोला कि छोटा है। तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आपको पता होगा ना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल है, तो पाई का पाई छोड़ दिया, आर का आर छोड़ दिया। ठीक है, और रूट अंडर, क्योंकि एल का मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई ना, तिर्यक ऊंचाई का मतलब कर्ण, एक तरीके से कर्ण हो गया, और कर्ण हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर h² + r² यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √h² + r² देख पा रहे होंगे तिर्यक ऊंचाई का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे पाई आर और एल का हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं √h² + r²
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या होगा, तो पाई आर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, तो एच का वैल्यू कितना 3v/πr2। तो यहाँ पे कितना होगा, एच के जगह पे हम लोग देंगे 3v/πr2 का होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया, और प्लस आर स्क्वायर। इसको हम लोग और अच्छा से लिखें तो पाई आर रूट अंडर 3v का स्क्वायर कितना, तो 3v/πr2 का भी स्क्वायर करेंगे, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 प्लस कितना आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आर स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल रहा है। अच्छा जरा हम एक और बात करें, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं कि इस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर बटा 1 लिख सकते हैं, यानी रूट अंडर वाले का हम लोग अंदर में जो है उसको एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पाई आर तो पाई आर ही रहेगा, ठीक है, पाई आर तो पाई आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे रूट अंडर में हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं, तो रूट अंडर में एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया पाई स्क्वायर आर के पावर 4, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना बन गया, तो यहाँ बन गया 9v² प्लस, ठीक है, यहाँ एक से पाई स्क्वायर आर के पावर 4 कटेगा, तो यहाँ बचेगा पाई स्क्वायर आर के पावर 6, ठीक है, पाई स्क्वायर आर के पावर 6। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं पाई आर रूट अंडर, ऊपर वाला को वैसे ही छोड़ देंगे, रूट अंडर कितना भाई, तो 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6, ठीक है, और बटा, जब ये पाई स्क्वायर है और ये रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि पूरा रूट है तो पाई का स्क्वायर है और रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ पाई बचेगा, और आर के पावर 4 है यानी आर 4 गो है, और स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से पाई पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो यहाँ हम लोगों को क्या बन रहा है, रूट अंडर 9v² प्लस पाई के स्क्वायर आर के पावर 6 डिवाइडेड बाई हम लोगों को आर बन रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है ये किसका वैल्यू है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि ये जो कोन है इसी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अभी तक के हम लोग यहाँ से निकाले हुए हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों बोल रहा था हम लोगों को क्या, तो इसके बारे में बोल रहा था हम लोगों को कि यही लिस्ट है, लिस्ट का मतलब छोटा यानी कि मिनिमम है, तो जिसके बारे में मिनिमम बोलता है दोस्तों उसी को ना मानते हैं। तो लेट एफ, अब एफ क्या, भी कि पाई कि आर, अब तो प्रॉब्लम है, तो दोस्तों यहाँ तो भी तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में चल रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग को क्या यूज होता है, आर यूज होता है, क्योंकि ये तो वॉल्यूम ना है और ये पाई है, तो भी और पाई दोनों ही एक तरीके का कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ एफ आर के रिस्पेक्ट एफ आर देंगे यहाँ पे, तो एफ आर इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 9v² प्लस पाई के स्क्वायर आर के पावर 6 डिवाइडेड में आर। अब यहाँ से एक यूजिंग करेंगे हम लोग फार्मूला, कौन सा यूजिंग, एफ डैस आर इक्वल 0, तो एफ डैस आर इक्वल 0 करेंगे तो अब हम लोगों को इसको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन पता है कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग यू बटा वी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वी का स्क्वायर कर देते हैं पहला बात, ठीक है, वी को बाहर कर लो, यू का डिफ्रेंशिएशन, तो रूट अंडर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट उतना, तो 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6 और इनटू क्या होगा, तो रूट वाले का फिर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 9v² का कितना होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और प्लस पाई स्क्वायर को हम लोग पाई स्क्वायर रख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ना भाई, और आर के पावर 6 है तो इसका हो जाएगा 6r^5, ठीक है। तो भी यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यू बाई वी का, यू पे ऊपर तोड़ दिए
और भी पे नीचे तोड़ दिए, तो यू बाई भी का फार्मूला होता है भी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग भी को बाहर कर लिए, यू का डिफ्रेंसिएशन, तो यू का डिफ्रेंसिएशन का मतलब 1/2 रूट इतना, और फिर रूट के अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन करते हैं चैन रूल में, ठीक है। तो 9v² का डिफ्रेंसिएशन 0, पाई स्क्वायर का तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, r के पावर 6 का 6r के पावर 4 5, ठीक है। फिर बोलता है माइनस करो, अब की बार u को बाहर निकालो ना, तो u को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, यानी कि 9v² प्लस पाई स्क्वायर r के पावर 6 इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, तो r का डिफ्रेंसिएशन 1। अब ये हम लोगों का पूरा डिफ्रेंसिएशन हो गया, और बट्टा में इक्वल में कितना कर दिए 0। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों को एफ डैश आर यहाँ पे इतना बड़ा आ गया। अब जब इतना बड़ा आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। देख लो भाई, ये हम लोगों को, ये तो आर इंटू है, तो आर को वन से तो आर ही ना हुआ, और इसको हम लोग को पूरा का गुना करना है, तो कितना होगा ऊपर, पहले तो इसको लिख दो पूरा का बट्टा आर, ठीक है। और इसको आर से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6, ठीक है, पाई स्क्वायर आर के पावर 6, क्योंकि आर के पावर 5 यहाँ है और आर के पावर 1 यहाँ है, तो 5 और 1 मिलके 6 हो गया, और बट्टा में कितना, तो बट्टा में ये वाला 2√9v² प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6, ठीक है, माइनस यहाँ पे √9v² प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 6, और इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं और बटा बराबर में 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 से कितने बार में कट रहा है भाई, 3 बार में कट रहा है, तो ऊपर में हम ये लिख सकते हैं कि अब हम लोगों को क्या बन रहा है, 3v² आर के पावर 6 डिवाइडेड बाई √9v² प्लस पाई के स्क्वायर आर के पावर 6, और माइनस √9v² प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बट्टा में 1, और पूरा का इधर 0 है, पूरा का आर 0 है, तो पूरा का आर 0 है, आप समझो बात को, ये नीचे है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भाई तो भी तो 0 ही ना हो गया, तो हम इसको बट्टा नहीं भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसका और इसका दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √9v² ये वाला आर कहाँ गया, तो इधर गुना होकर 0 हो गया। अब इसका इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बच रहा होगा, जरा दिखते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्त, तो यहाँ बच रहा होगा हम लोगों को क्या, तो √9v² प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6, ये हम लोगों का एलसीएम हो गया, दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका इसका एलसीएम। अब इस ये तो 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पे बनेगा 3v² आर के पावर 6 माइनस, अब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 से उतना बार में कट रहा है, तो रूट और रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बन रहा होगा क्या, 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6, और इक्वल में क्या 0। अब जैसा आप जान रहे होंगे कि नीचे वाला ये जाएगा इधर, तो फिर से 0 हो गया, नीचे वाला 0 से गुना होगा तो 0, तो ऊपर बच रहा होगा 3v² आर के पावर 6, माइनस में बच रहा होगा ये 9v², और ये माइनस में बच रहा होगा, सॉरी माइनस प्लस कितना, माइनस पाई स्क्वायर आर के पावर 6 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 में से जब माइनस 1 हुआ तो कितना बच रहा होगा, 2v² आर के पावर 6 इज इक्वल, ये माइनस 9v² है, और अगर इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं भाई, राइट साइड ले जाते हैं, तो तब हम लोग को क्या बन रहा होगा, जब राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2v² बराबर आर के पावर 6 है, और 9v² को इधर ले जाएंगे तो प्लस 9v² होगा, ठीक है, हाँ सही है ना यहाँ तक, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3v² आर के पावर 6, ये माइनस हो गया 9v², और माइनस प्लस माइनस, तो पाई स्क्वायर और अच्छा एक मिनट, यहाँ तो वी स्क्वायर है ना, एक मिनट देख लेते, 3v² है यहाँ पे,
तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं, टू नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, तो कैसे घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सब में आप देख पा रहे होंगे ये 9v² को राइट साइड कर लीजिए, ठीक है। तो 9v² को आप राइट साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 3v² r के पावर 6, यहाँ बच रहा होगा माइनस पाई स्क्वायर r के पावर 6 इज इक्वल 9v², ठीक है। अब यहाँ 9v² बच रहा है। अब हम लोग यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं कि r के पावर 6 को कॉमन करा सकते हैं, r के पावर 6 को कॉमन करा लिया। तो यहाँ पे जब r के पावर 6 को जब कॉमन करा ले तो फिर हम लोगों को क्या बचेगा, ज़रा देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं ना कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना था u बाई v पे, तो v का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर ही रहेगा ना, आर का स्क्वायर रहेगा। अच्छा, उस तो सो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यू बाई वी का फार्मूला होता है वी स्क्वायर, और वी को बाहर निकालो यू का डिफरेंशिएशन, माइनस यू को बाहर निकालो वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आर स्क्वायर था तो इधर आर स्क्वायर से मल्टीपल हुआ तो जीरो हो गया। अच्छा, यहाँ आर का तो आर हो गया, फिर यू का डिफरेंशिएशन, तो यू का डिफरेंशिएशन मतलब ऊपर का, तो 1/2 √x, ठीक है। फिर इसका हो गया जीरो, कांस्टेंट था π² 6r के पावर 5, माइनस इसको वैसे ही छोड़ दिया, और नीचे आर का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ तक तो करेक्ट है। और फिर यहाँ पे 2 से 3 बार में कटा तो 6 हो गया, ठीक है, π² और यहाँ r के पावर 6 बना। तो ओ सिट, यहाँ v² नहीं ना होगा भाई, यहाँ π² ही होगा। यहाँ पे मिस्टेक था, v² लिखा गया था, देख रहे हैं ना, 3π² r के पावर 6, बाई उतना है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे ना v², वो दैट इज अ मिस्टेक, यहाँ पे क्या है, π² है, ठीक है, π² है। यहाँ पे भी जो है ना हम लोगों को π² ही है। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे π² तो 3π² r6 में से 1π² r6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2π² r6 इज इक्वल टू कितना, 9v², ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि r के पावर 6 को कॉमन कर लिया जाए, r के पावर 6 को कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ पे होगा 9v² बाई 2π², ठीक है। अच्छा, r के पावर 6 ही होगा कि r² होगा, ज़रा देख लेते हैं। r के पावर यहाँ पे 6 मिला है, फिर से कहीं तो दिक्कत नहीं ना है। 6 r के पावर 5 था, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ यहाँ तक भी ठीक है। तो r के पावर 6 का वैल्यू हम लोगों को मिला ये चीज़, तो -9v² -π² r के पावर 6, हाँ जी ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इधर हम लोगों का डिफरेंशिएशन सही निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि r के पावर 6 का वैल्यू कितना निकला, 9v² / 2π², क्लियर। अब जो r के पावर 6 का वैल्यू हम लोगों को निकला है, अब दोस्त आपको क्या करना होगा कि यहाँ से हम लोगों को √2 टाइम्स स्लेंट हाइट दिखाना है ना। स्लेंट हाइट जो होगा वो कितना होगा, तो हम लोगों को जो स्लेंट हाइट होना चाहिए वो √2r होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग किससे चलेंगे कि प्रूफ हो जाए। तो यहाँ के बाद से चूंकि हमें क्या प्रूफ करना है देख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है h = √2r, तो हम लोग h से ही चलेंगे ना। तो h का फार्मूला कि यहाँ पे आया है 3b/πr². तो चलिए हमें h का फार्मूला से चलते हैं और फिर प्रूफ करते हैं। तो h बराबर कितना है, नाउ h इज इक्वल टू 3b/2π², ठीक है, ये फार्मूला से चल रहे हैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सॉरी πr², 3π/πr², ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 3π r² है, इंटू में ऊपर भी लिख सकते हैं ना,
थ्री बटा पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ऊपर वी लिख दिया। अब हम लोग इससे अगर चलेंगे वी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा जरा देखिए, तो आर स्क्वायर को इससे गुना कर देंगे तो टू पाई स्क्वायर आर के पावर सिक्स होगा, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, बराबर में नाइन वी स्क्वायर। ये नाइन जब नीचे आया तो बट्टा नाइन हो गया, स्क्वायर हटेगा तो पूरा का रूट, यानी कि सिर्फ यहाँ से इससे चलते चलते आप वी का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा रूट अंडर इतना, यानी कि हम इसको लिख दिया थ्री बाई पाई आर स्क्वायर, और इसके जगह पे सिर्फ भी के जगह पे रूट अंडर टू पाई स्क्वायर आर के पावर सिक्स बट्टा में नाइन। देख पा रहे होंगे आप हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं दोस्त, यहाँ पे हम ये लिखना चाह रहे हैं कि इससे चलते चलते आप भी का वैल्यू निकालो, पहले तिरछा तिरछी गुना कर लिया ठीक है, तो आर स्क्वायर को टू पाई स्क्वायर के टू पाई स्क्वायर आर सिक्स, और यहाँ गुना में था नो भागा में चल गया, इधर स्क्वायर था रूट हो गया, तो भी का वैल्यू रख दिए। अब जब भी का वैल्यू रख दिए तो ऊपर क्या बन रहा है थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू टू का वर्गमूल कितना होगा रूट टू ठीक है, पाई स्क्वायर का कितना होगा पाई, आर के पावर सिक्स का कितना होगा आर के पावर थ्री, और बट्टा में नौ है तो नौ का वर्गमूल तीन, तीन से तीन खत्म, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर है यहाँ आर तीन गो है तो यहाँ एक बार बच रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों एच का वैल्यू हम लोग चलते चलते कितना ला दिए रूट टू इंटू आर। तो हियर यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि एच बराबर कितना हो गया रूट टू आर, दैट इज प्रूव्ड। तो ये हम लोग को कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन इसको इसमें देखिए प्रॉब्लम यह है ना कि डिफ्रेंशिएशन का फंडा बहुत हार्ड है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, सभी चीज़ वही है लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन सोच समझ के करना है, किसके रिस्पेक्ट में करें कैसे करें, फिर हम लोगों को उस तरीके से प्रूव होता है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।